हेलो नमस्कार, द होप चारों में आप सभी का स्वागत है। और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं एक पिकअप पाइल रीडिंग। बहुत दिनों बाद आज फाइनली टाइम मिल रहा है तो मैं एक पिकअप पाइल रीडिंग कर रही हूँ। और रीडिंग का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। रीडिंग का टॉपिक है कि ये वैलेंटाइन डे आपके लिए कैसा रहेगा। ये जो वैलेंटाइन वीक चल रहा है इसमें नेक्स्ट 72 आवर्स की रीडिंग हम ये करने वाले हैं। अगले 3 से 4 दिन में आप लोगों के लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं वो हम यहाँ देखने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, हालांकि मैं इसे वैलेंटाइन वीक में बना रही हूँ तो ये डेफिनेट जो लोग इसे अभी देख लेंगे वो उनके वैलेंटाइन डेज के बारे में बताएगा कि कैसे रहेगा। अदरवाइज जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तब आप इस रीडिंग को अगले 72 आवर्स के लिए, अगले 3 दिन के लिए अपनी लाइफ से रेजोनेट कर पाएंगे, या आपके जो भी प्रिडिक्शंस हैं वो अगले 3 दिन के आपको मिल जाएंगे इस रीडिंग के अंदर। सो आई एम सो एक्साइटेड फॉर यू गाइस। यहाँ पे मैंने 2 पाइल यूज़ की हैं, 2 ऑप्शन यूज़ किए हैं बेसिकली। फर्स्ट वन इज़ दिस पिंक कैंडल। सो अगर आपको पिंक कलर पसंद है या इस कैंडल से आप अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप पाइल नंबर 1 चूज़ कीजिएगा। एंड सेकेंड वन इज़ दिस पर्पल कैंडल। सो अगर आपको पर्पल कैंडल अच्छी लग रही है तो आप पाइल 2 सेलेक्ट कीजिएगा। ओके, पाइल 1 एंड पाइल 2। सो कार्ड मैं आपके सामने निकालूंगी, देखेंगे कि अगले 72 घंटे में आपकी लव लाइफ में क्या सब चेंजेस आ सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, और अगर आप कमिटेड हैं, सेपरेशन में है, वॉट एवर जो भी आपका स्टेटस है, मैरिड हैं, कुछ भी हैं आप, तो ये आपकी नेक्स्ट 72 आवर्स की रीडिंग होगी। ऑल राइट, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग विद पाइल नंबर 1 यानी दिस पिंक कैंडल। लेट्स सी कि पाइल नंबर 1 के लिए हमारे पास क्या मैसेजेस आते हैं। ऑल राइट, सो सबसे पहले मैं देखती हूँ कि आप लोगों की करंट एनर्जीज क्या क्या है, क्या है। तो पहले हम अच्छे से करंट एनर्जीज देख लेते हैं आपकी। सो पिंक कैंडल की बात कर रही हूँ, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ आगे रख देती हूँ ताकि आप लोगों को दिखता रहे कि ये आपका ऑप्शन था जिन्होंने पिंक कलर की कैंडल चूज किया है। ऑल राइट, सबसे पहले देखते हैं आपका प्रेजेंट सिचुएशन क्या है लव लाइफ में। सो यहाँ मैं मिनी टैरो डेक यूज कर रही हूँ। लेट्स सी की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द मैसेजेस फॉर पाइल 1। जिन्होंने भी पिंक कलर का कैंडल चूज किया है उनकी लव लाइफ की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। ओके, वाओ, टेम्परेंस है यहाँ पे, ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स है। ओके, तो बहुत सारे कार्ड आ गए, ये नहीं ले रहे हम। प्लीज स्प्रेड गाइस, प्लीज गिव मी 1 or 2 cards। ओके थैंक यू, 2 कार्ड आ गए, ठीक है। सो वी हैव जजमेंट एंड वी हैव 5 of wands। ओके, बॉटम एनर्जी है द फूल, ब्यूटिफुल एनर्जी। मुझे लग रहा है अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, अगर ये आपसे रेजोनेट हो तो आप इस रीडिंग को देखिएगा। जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं होगी। सो पाइल नंबर 1 के लिए जो मुझे प्रेजेंट सिचुएशन दिख रही है, मुझे लग रहा है कि कुछ न्यू बिगनिंग्स हुई हैं रिसेंटली, ही कुछ नई चीजें स्टार्ट हुई हैं। मे बी कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कुछ लड़ाई हो गई है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं आपके आपके पर्सन से, और अब आप हील हो रहे हैं या समय दे रहे हैं इस रिश्ते को, ठीक है, बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं रिश्ते में, एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं शायद आप, चाहे आप मैरिड हैं ना, आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। कार्ड की एनर्जीज जो मुझे आ रही है, मैं सिर्फ वो रीड कर रही हूँ, तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस भी आप रिश्ते में थे, ठीक है, किसी भी तरीके के, उसमें कोई लड़ाई झगड़ा रिसेंटली हुआ है, लेकिन वो रिकनसाइल भी हो गया है, काफी हद तक आपने एक न्यू बिगनिंग की है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एकदम फ्रेश न्यू बिगनिंग या नया एक रिश्ता आपकी लाइफ में आया है पिछले दिनों या पिछले महीने शायद, जिसमें आप अभी बहुत खुश हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत लविंग एनर्जी नहीं है बल्कि एक ईजी गोइंग एनर्जी है कि हाँ, साथ में बातचीत हो जाती है, खुश रहते हैं आप एक दूसरे के साथ, लेकिन बहुत ज्यादा कमिटमेंट वाली चीजें नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि
स्पेशली अगर आप थर्ड पार्टी में थे तो, क्योंकि यहाँ हायरोफेंट का कार्ड भी आ रहा था और नाइन ऑफ सोर्ड्स भी है और नाइट ऑफ सोर्ड्स भी है, कि अगर कोई ऐसा पर्सन था जो कि कहीं और अटैच था तो वहां पे आपको ये चांसेस हो रहे हैं, या अभी जो करंट सिचुएशन में मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि उनकी उस थर्ड पार्टी से फाइट वगैरह हो रही है, या उन्हें उनके थर्ड पार्टी जरूरी नहीं है, कोई पर्सन है, कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, मतलब अब वो उस थर्ड पार्टी से आपके लिए एक फाइट लड़ रहा है कि आप चाहिए उन्हें, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो उनके पेरेंट्स हैं या कोई ऐसी चीज है जिसे वो छोड़ नहीं सकते, तो वो बैलेंस कर रहे हैं आप में और उनमें। और अगर कोई पर्सन है तो डेफिनेटली पर्सन उससे आजादी लेने के बारे में सोच रहा है और आपको क्लैरिटी देता हुआ दिख रहा है। सो मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स यहाँ मिल रही है। पहल नंबर वन, आप अपने रिश्ते में बहुत हैप्पी हैं, बैलेंस हैं, या कोई रिसेंटली झगड़ा हुआ है तो उसमें भी आप एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, ऐसी वाली सिचुएशन में आप हैं, ठीक है। यस, रिसेंट झगड़ा हुआ है वो मुझे यहाँ नाइन ऑफ सोर्ड से भी दिख रहा है, कहीं ना कहीं आप रोए हैं, कहीं ना कहीं आप परेशान हुए हैं, लेकिन एक न्यू बिगनिंग आप या तो करना चाहते हैं, या 80% लोगों की लाइफ में वो न्यू बिगनिंग हो चुकी है इस महीने, ठीक है। और यस, मैरिड लोग भी दिख रहे हैं, सिंगल भी दिख रहे हैं, यहाँ पे सभी तरह के लोग दिख रहे हैं, लेकिन काफी इजी गोइंग वाला एक एनर्जी दिख रहा है। एक और मैसेज मिल रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है कि अगर आप एक सिंगल पर्सन हैं या किसी रिश्ते से निकल के किसी और को प्रपोजल देना चाहते हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज भी आ रही है, तो आपको बड़ा कंपटीशन मिल रहा है शायद, मतलब सामने वाले से हानि आ रही है, आप कोशिश कर रहे हैं, रेगुलर कोशिश कर रहे हैं, आपने हार भी नहीं मानी, मैंने कहा ना आप बहुत खुश हैं, इजी गोइंग में चीजें हैंडल कर रहे हैं, लेकिन आपको काफी कॉम्पिटिशन मिल रहा है कि किस तरीके से आप उस तक पहुंचे, ये वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। ऑलराइट, यस, सो यही मैसेज मुझे आपके मिल रहे हैं प्रेजेंट के लिए। अगर ये प्रेजेंट आपसे मैच होता है पाइल नंबर वन, तो आप इस रीडिंग को आगे देखिएगा। अब मैं आपने जो रीडिंग का टॉपिक है वो करने वाली हूँ स्टार्ट, तो उसके लिए मैं कार्ड्स पहले सारे निकाल लूंगी ताकि मैं आपको क्लियर कट एक मैसेज दे सकूँ, है ना, बहुत लंबा नहीं हो, क्योंकि कार्ड्स हर तरह के आएंगे यहाँ पे, तो हर डेक से मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ पहले और फिर आपको बताती हूँ कि अगले 72 घंटे में आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर फाइल नंबर वन। एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, हायरोफेंट, ओके, 10 ऑफ कप्स, वाओ, बॉटम एनर्जी है 3 ऑफ सोर्ड्स की। गाइज यहां थर्ड पार्टी सिचुएशन है, देखिए टेम्परेंस है और 3 ऑफ सोर्ड्स है, ओके, ठीक है, कोई नहीं। विजडम ओरेकल डेक से भी देख लेते हैं कार्ड्स। ये कार्ड मैं नहीं ले रही क्योंकि अभी शफलिंग स्टार्ट ही नहीं हुई थी। ऑलराइट, पीस, ओके, नेवर एंडिंग स्टोरी, वाओ, ऑलराइट, बॉटम एनर्जी है एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, ओके, चलिए एनर्जी ओरेकल डेक से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। वॉकिंग अवे,
कैन बी ओके द वर्ड ओके द ये नहीं है ओके बॉटम एनर्जी है स्ट्रेटजी प्लानिंग ऑल राइट सो पाइल नंबर 1 72 घंटे में आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आपको फील होंगे पहला क्वेश्चन क्या वो चेंजेस पॉजिटिव होंगे या वो चेंजेस नेगेटिव होंगे 100% वो चेंजेस पॉजिटिव हैं आपके लिए ठीक है पहली चीज 100% चेंजेस पॉजिटिव है मुझे यहाँ पे देखिए हैरोफेंट का कार्ड आपकी प्रेजेंट एनर्जी में आ रहा था मैंने बोला भी था कि हैरोफेंट का कार्ड आ रहा था बट अपन ने लिया नहीं मुझे यहाँ पे हैरोफेंट टेन ऑफ कप्स नेवर एंडिंग स्टोरी टेम्परेंस यिन एंड यांग एक मेजर एनर्जी दे रहे हैं कि जिसने भी ये फाइल नंबर 1 चूज किया है वो या तो ऑलरेडी मैरिड है खुद या किसी मैरिड पर्सन को डील कर रहा है या वो एक ऐसे कमिटेड रिलेशनशिप में है जहाँ पे वो ऑलमोस्ट बहुत लंबे समय से है या एक मैरिड कपल जितना इन्वॉल्व्ड है ठीक है मेरा मतलब आप समझ गए होंगे व्हाट आई मीन बाय मैरिड कपल जैसा ठीक है मतलब लड़ाई झगड़े भी उसी लेवल के हो रहे हैं लव भी उसी लेवल का है लेकिन आप एक बहुत अच्छे से ना अटैच्ड हैं एक दूसरे से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए कोई रिश्ता रीसेंट पास में आया है और वो उस पर्सन के साथ आगे लाइफ शादी करने वाले हैं मतलब शादी तय हो गई है वो वाले लोग हैं यहाँ पे ठीक ना शादी के लिए क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई भी ऐसे टेम्प्ररी रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है यहाँ मुझे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिख रहा है और उस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में क्योंकि यहाँ पे आपके हायरोफेंट और टेन ऑफ कप्स है तो अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपकी फैमिलीज इन्वॉल्व हैं ठीक है कैसे भी आपके फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से नोन हो सकते हैं अब बात करती हूँ विद दिस थ्री ऑफ सोर्ड्स बॉटम एनर्जी थी यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स है क्वीन ऑफ पेंटिकल है हायरोफेंट एंड टेन ऑफ कप्स है अगर कोई लड़ाई कोई आर्ग्यूमेंट आपकी चल रही है अपने पार्टनर से ठीक है जो कि मुझे दिख रहा है कि वो प्रेजेंट एनर्जी जब ये रीडिंग आपके सामने आएंगी तभी चीजें वर्कआउट करने लगेंगी एटलीस्ट आपके माइंड में तो करने लग जाएंगी वही चीजें मुझे दिख रही हैं 72 घंटे में कि आप उसमें एक न्यू बिगनिंग करेंगे और मैरिज तक कमिटमेंट तक इस चीज को प्रोसीड करेंगे फैमिली मेंबर्स तक इस चीज को प्रोसीड करेंगे आपकी लाइफ में पीस रहेगा आपकी लाइफ में एक हेल्दी रिलेशनशिप मैं देख पा रही हूँ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इन 72 घंटों में आपके या आपके पार्टनर के मन में इस रिश्ते को लेकर के कुछ इनसिक्योरिटीज आ सकती हैं और इनसिक्योरिटीज कैसी हैं कि आप कहीं और भी इन्वॉल्व हैं ठीक है उस तरह की कोई इनसिक्योरिटीज उनके दिमाग में या मन में आपके और आपके पार्टनर के बीच में आ सकती है वॉक अवे एंड द वर्ल्ड का कार्ड मुझे ये कह रहा है कि आपके पार्टनर ऐसे भी हो सकते हैं जो कि पैसा कमाने के लिए या तो कहीं दूर जॉब कर लिया उन्होंने या वो ऑलरेडी एक डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में आप लोग थे जिन लोगों के लिए रिश्ता आया है वो भी ऐसे हो सकते हैं कि उनके पार्टनर एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो या आप में से कोई ट्रैवल करे कहीं बाहर तो एक दूसरे से फिजिकल डिस्टेंस आपका बढ़ सकता है एक दूसरे से इनसिक्योरिटीज बढ़ सकती हैं ठीक है लेकिन डेफिनेटली इन 72 घंटों में एक न्यू बिगनिंग और कमिटमेंट या एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप लोग एक दूसरे के साथ फील करने वाले हैं एंड रीजन यही है कि अगर कोई आर्ग्यूमेंट हो भी रहता है या आप लोग सेपरेशन में भी हैं या आप लोग अच्छे से बातचीत नहीं कर रहे हैं कोई इनसिक्योरिटीज भी आ रही हैं आपके दिमाग में तो भी ये नेवर एंडिंग स्टोरी है आप लोगों की सो डेफिनेटली ये पर्सन आपको अभी इस स्टोरी का एंड नहीं है ठीक है ये मुझे आपके लिए मैसेजेस मिल रहे हैं ठीक है मैंने मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से आपको बता दिए हैं सारे मैसेजेस एक दो मैसेज ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे कि अगले 72 घंटे में आप लोगों की जो लव लाइफ है उसमें एक फिजिकल अट्रैक्शन फिजिकल अटैचमेंट फिजिकल एडिक्शन आप लोग फील कर सकते हैं मैरिज तक बात जा सकती है ठीक है फैमिली
तक बात जा सकती है। ये स्पेसिफिक पॉइंट है जो सबसे नहीं रेजोनेट होंगे, लेकिन कुछ कुछ से होंगे। कुछ लोगों के लिए कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं बिल्कुल 72 घंटों में, और कुछ लोगों को गिफ्ट्स मिल सकते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो कहीं बाहर जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, या हो सकता है आप लोग एक दूसरे से दूर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट इस रीडिंग में मुझे आप लोगों के लिए दिख रहे हैं। ऑल राइट, नाउ हम देखते हैं गाइडेंस क्या आ रहा है। ठीक है, आपके लव लाइफ को आपको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, तो हम मूनोलॉजी डेक से देखेंगे। ये मेरे हैंड में मूनोलॉजी कार्ड्स हैं, तो देखते हैं आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। इन 72 घंटों में आपको किस तरीके से रिश्ते को डील करना चाहिए। फुल मून इन लियो, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो डेफिनेटली आपको यही कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा ईगो प्राइड ये आपको इस रिश्ते में नहीं लाना है। ठीक है, लियो आपका या आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। न्यू मून इन स्कॉर्पियो, देखिए फुल मून और न्यू मून, कुछ कुछ न्यू बिगनिंग्स तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में होने वाली है। ठीक है, कैसे होंगी? जब आप अपने ईगो को साइड में करेंगे, जब आप अपने फियर्स पे काम करेंगे। लास्ट वन इज वैक्सिंग मून, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। और डेफिनेटली अगर बातचीत बंद है, कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए अगर इन 72 घंटों में, तो वो इन 72 घंटों में ठीक भी हो जाएंगी, क्योंकि आपके इमोशंस जो हैं वो बहुत हाई रहेंगे, तो मोमेंटम अपने आप आपकी लव स्टोरी ले लेगी, क्योंकि ये लव स्टोरी एंड नहीं होने वाली है अभी। ऑल राइट, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आया, और ना स्कैंडल के बीच में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये कार्ड। नाउ एंड करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं ब्लैसिंग ऑल से 72 घंटे में आपके लिए क्या ब्लैसिंग्स आ रही हैं। पाइल नंबर वन, ऑल राइट, ओके, काफी आ गई, लेट्स चेक। सो ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए पाइल नंबर वन? वी हैव गिफ्ट्स, तो आई टोल्ड यू यहाँ पे भी हमारे पास बॉटम एनर्जी एक्सचेंजिंग गिफ्ट थी। ये देखिए एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, राइट। सो गिफ्ट्स तो आप में से काफी लोगों को मिलने वाले हैं, मिले तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, 3 दिन बाद ही सही। देन वर्ड ट्यूर, देखिए वर्ड का कार्ड है और यहाँ वर्ड ट्यूर, तो डेफिनेटली आप में से काफी लोग ट्रैवल करने वाले हैं। जरूरी नहीं है वर्ड ट्यूर हो, कोरोना चल रहा है तो मैं ये नहीं कहूंगी वर्ड ट्यूर है, लेकिन डेफिनेटली आप ट्रैवल कर सकते हैं। सक्सेस, सक्सेस क्योंकि ये लव रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं आपके पार्टनर से आपकी बातचीत हो जाए या ये रिलेशनशिप फिर से ठीक हो जाए, तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। प्रोग्रेसिव लाइफ, आई टोल्ड यू, कमिटमेंट मिल सकता है, आप फैमिली प्लानिंग का सोच सकते हैं, मैरिड है तो, अनमैरिड है तो मैरिज का सोच सकते हैं, एक प्रोग्रेस आपके रिलेशनशिप में आएगी। हैप्पीनेस, ठीक है, खुशियां भी आपको मिलेंगी, वाओ, तो बहुत प्यारे कार्ड्स हैं, बिगनिंग है, न्यू न्यू जॉब, तो मैंने आपको ये भी मैसेज दिया था, कार्ड्स के थ्रू भी आ रहा था कि कुछ अपॉर्चुनिटी मिले, इसलिए आप में से कोई लोग कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करें या कहीं जाएं, ऐसा भी हो सकता है, तो वो भी यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को। ऑल राइट, सो पाइल नंबर वन, दिस इज फॉर यू, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, और प्लीज अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप में से काफी लोग कहते हैं कि मैं राशियां बताया करूं, तो इतने सारे कार्ड्स होते हैं, ऑलमोस्ट सारी राशियां होती हैं, अगर मैं बोलूं यहाँ वाटर साइन है, चार नाम वो ले लूं, ये कुछ एयर साइन है वो नाम ले लूं, तो आप भी कहेंगे सारी राशियां तो आ गई। तो जनरल रीडिंग्स के अंदर, क्योंकि हम इतने डेक से कार्ड्स निकालते हैं, तो डेफिनेटली सबके लिए है, इसलिए मैं राशियां नहीं बता रही हूँ, नंबर्स जरूर मैं आपको स्पेसिफिक कर देती हूँ। यहाँ पे नंबर 22 है तो 4 नंबर, 29 है, 11 नंबर या 2, 37, 10, 1, 27, 23, 5, 9, 22 नंबर, ये आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। ऑल राइट, सो 37 आपकी एज हो सकती है, 29 आपकी एज हो सकती है, 22 एज हो सकती है, 23, 27 आपकी एज हो सकती है, 20 आपकी एज हो सकती है। ठीक है, 27 और 9 नंबर यहाँ बहुत स्पेसिफिक दिख रहा है काफी लोगों के लिए, 5 नंबर बहुत स्पेसिफिक दिख रहा है, वृषभ राशि, तुला राशि भी बहुत स्पेसिफिक दिख रही है, मीन राशि भी दिख रही है, कर्क राशि भी दिख रही है। अब राशियां एक्चुअली सारी हैं, लियो और स्कॉर्पियो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, तुला राशि है यहाँ पे। सो ये सारी चीजें आपसे मैंने आपको बता दी, फिर भी रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो ये रीडिंग आपके लिए थी, राशि नंबर्स ये सेकेंडरी होते हैं। ऑल राइट, सो दिस इज फॉर यू, आई होप ये आपसे रेजोनेट हो, प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बाय बाय।
हेलो पाइल नंबर टू। सो बारी है आपकी, जिन्होंने भी ये पर्पल कलर का कैंडल चूज किया है। लेट्स सी कि आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे रहेंगे, आपकी लव लाइफ में क्या सब हो सकता है। सो एज ये जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं होगी। किसके लिए ये रीडिंग है उसको जानने के लिए हम पहले आपकी लव रिलेशनशिप की प्रेजेंट एनर्जीज यहाँ देखेंगे। सो लेट्स चेक कि आपकी प्रेजेंट एनर्जीज क्या कहती है। अगर प्रेजेंट एनर्जीज आपसे रेजोनेट होती है पाइल नंबर टू, तो आप सही जगह है, आपसे फ्यूचर भी रेजोनेट होगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं, कुछ भी आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है, तो आप पाइल नंबर वन देख सकते हैं या कहीं और रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, जबरदस्ती इस रीडिंग को अपनी लाइफ में अप्लाई मत कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग फॉर पाइल नंबर टू। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए। जिन्होंने भी पाइल नंबर टू पर्पल कलर की कैंडल चूज की है, उनकी लव लाइफ की प्रेजेंट एनर्जीज क्या है। ऑलराइट, वी हैव सिक्स ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके, किंग ऑफ कप्स, ओके, एंड बॉटम एनर्जी है नाइन ऑफ रॉड्स। वाओ, सन की एनर्जी से नाइन ऑफ रॉड्स। सो पाइल नंबर टू, मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर टू कि मुझे एक्चुअली यहाँ दो स्टोरी लाइन दिख रही है बेसिकली आप लोगों के लिए पाइल नंबर टू, और बहुत स्ट्रांग एनर्जीज दिख रही हैं। सबसे पहले तो आपकी लाइफ का ये जो पर्सन है, जिसके बारे में भी आपने सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में है, अगर आप मैरिड हैं, जो भी आप सोच रहे हैं ना, सिंगल लोगों की मैं अभी बात नहीं कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो रिश्ता है, ये जो कनेक्शन है, ये बहुत ही किस्मत कनेक्शन टाइप है, ये डेस्टाइंड है। ठीक है, इस रिश्ते में आप बार बार अलग होते हैं, मे बी इस रिश्ते में किसी ने कोई कन्फेशन किया ही नहीं है लव का, सिर्फ एक इमोशनल अटैचमेंट है, सिर्फ एक केयर है, ठीक है, लेकिन प्यार जैसी कोई प्रपोजल जैसा, या यस आप लोग प्यार में हैं नहीं है, ये वाला मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीजें या तो कहीं नहीं गई हैं, कहीं गई हैं तो इतना किस्मत कनेक्शन है कि कोई निकलना भी चाहता है तो उससे नहीं निकल पाता, या कोई रहना चाहता है तो रह नहीं पाता, उस कुछ सिचुएशंस ऐसी बनती है कि लड़ाइयाँ हो जाती हैं, लेकिन कुछ है ऐसा। ठीक है, दूसरी जो स्टोरी लाइन मुझे दिख रही है, वो मुझे दिख रही है कि यहाँ पे जो लोग हैं ना, उनमें से या तो आपका खुद का या आपके पर्सन का पास्ट खराब रहा हो सकता है। ठीक है, पास्ट खराब रहने का मतलब है, अब यहाँ सन एनर्जी आ रही है, सो मुझे लग रहा है कि दो चीजें हो सकती हैं अगेन, या तो आप लोगों का किसी और के साथ में एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, बट वो ब्रेक हो गया क्योंकि वो पर्सन कहीं चला गया, ठीक है, या उसने डिच भी नहीं किया, बहुत प्यारा कनेक्शन था आप लोगों का, लेकिन या तो कुछ कुछ मिस हैपनिंग हुई है उस रिश्ते में। ठीक है, दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, अभी आप उससे सेपरेशन में हैं क्योंकि वो मूव ऑन कर गया है, कहीं उसने अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर नहीं की, उसने आपको फ्रेंड जोन में रखा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि लास्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। ये जो भी आप समय देख रहे हैं अभी, जैसा भी देख रहे हैं, ये चेंज होगा क्योंकि बेसिकली इस पर्सन के मन में बहुत प्यार है, बस ये फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में रहता है कि ये दिखाता नहीं है। ठीक है, सो ये आप लोगों के कनेक्शन की मुझे वाइब्स दिख रही हैं यहाँ पे। लेकिन अब बात करती हूँ जो सिंगल है, क्या सिंगल लोगों की लाइफ में कोई आने के चांसेस है। यहाँ पे हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून है, यहाँ किंग ऑफ कप्स है, दोनों कार्ड मुझे साफ साफ कह रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में अभी कोई नहीं है, आप एक सिंगल पर्सन है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपकी लाइफ में कोई आए। अब जो पास्ट की बात कर रही हूं मैं, वो ये भी हो सकता है कि आप एक रिश्ते से निकल के आए हैं, आप एक डायवोर्स से निकल के आए हैं, डायवोर्स जैसा वैसा मुझे कुछ लग नहीं रहा है, लेकिन हाँ आप एक अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप से कहीं से तो निकल के आए हैं और बहुत स्ट्रांग खड़े हैं, जबकि आप अभी उस रिलेशनशिप में, प्रेजेंट सिचुएशन में शायद वो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में नहीं है। ठीक है, चीजें खराब हो गई हैं, चीजें सही तरीके से हैंडल नहीं हुई हैं, तो कोई एक पर्सन है जो कि मूव ऑन कर गया है, या अपनी उसको कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई, मैं ज्यादा
प्रेशरली बोलूंगी बिकॉज यहाँ डेस्टाइन है कि आप लोगों ने कोशिश भी बहुत की हो ना तो भी वो किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। ऑलराइट, सो ये वाली एनर्जीज मुझे आपकी प्रेजेंट सिचुएशन दिख रही है। और सिंगल चाहे आपकी लाइफ में कोई था नहीं था, आपकी लाइफ में कोई पर्सन आने के चांसेस बिल्कुल है। डिटेल में हम आगे फ्यूचर में देखेंगे, ठीक है। अभी प्रेजेंट की एनर्जीज हैं ये, तो डेफिनेटली यहाँ चांसेस हैं। आप लोग जो हैं वो किसी पास से डील कर रहे हैं या अभी अपनी, या हो सकता है, हाँ यस ये हो सकता है सिंगल्स के लिए कि आप किसी को पसंद करते हैं लेकिन अपनी फीलिंग्स उनसे अभी शेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो डिवाइन टाइमिंग पे ही हो पाएगा, ठीक है। ये भी एक मैसेज मिल रहा है। सो अगर ये प्रेजेंट एनर्जीज आपसे मैच करती हैं पाइल नंबर 2, तो आप आगे रीडिंग देखिएगा, अदरवाइज आप पाइल नंबर 2 भी देख सकते हैं, सॉरी 1 भी देख सकते हैं। नाउ हम देखते हैं इस रिश्ते में फ्यूचर क्या होगा। नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर आप अपने रिलेशनशिप में क्या चेंजेस महसूस करेंगे पाइल नंबर 2। प्लीज यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पर्पल कलर का कैंडल चूज किया है। एक मैसेज मुझे और मिल रहा है अभी आपके लिए, बार बार कार्ड्स आ रहे हैं लेकिन मुझे मैसेज मिला तो मैं आपको दे देती हूँ। हो सकता है जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी प्रेजेंट सिचुएशन में वो किसी दो लोगों के बीच में कंफ्यूज हो कि उन्हें क्या चूज करना है। कुछ ऐसी सिचुएशन, वो भी ना डेस्टाइन सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी बन गई है कि आपको किसे चूज करना है, किसे छोड़ना है, इसमें आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो। या अगर आपके पास चॉइसेस नहीं है तो भी शायद आप अपने पर्सन की कुछ उनके बिहेवियर पैटर्न जो आपसे मैच नहीं करते तो आप इसलिए कंफ्यूज हो कि क्या ये पर्सन के साथ भविष्य में देख सकता हूँ या देख सकती हूँ, ऐसा कुछ कंफ्यूजन भी आपका हो सकता है। फ्यूचर क्या है साहब? जस्टिस। ओके, आपके पर्सन लिब्रन हो सकते हैं, तुला राशि के हो सकते हैं, वृश्चिक राशि के हो सकते हैं, एक्वेरियन हो सकते हैं, कुंभ राशि के। स्टार आ गया यहाँ पे, एक स्टार सीड हो सकते हैं, काफी हेल्पफुल हो सकते हैं, डॉक्टर नर्स या मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं या जस्टिस फील्ड में हो सकते हैं। एट ऑफ पेंटिकल आ गया यहाँ पे, ये कार्ड मैं नहीं ले रही हूं। ओके, टू ऑफ पेंटिकल, देखिए मैंने आपको बोला था ना कंफ्यूजन है यहाँ पे, तो साहब कंफ्यूजन है यहाँ। बॉटम एनर्जी भी दिखा देती हूँ, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी सारे फ्यूचर के, फिर आपको एक समरी दे दूंगी, ठीक है, ताकि उससे मुझे थोड़ा सा ज्यादा गाइडेंस मिल जाता है और मैं एक सही आपको रीडिंग दे पाती हूँ। सो एनर्जी भी देख लेते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स की क्या रहने वाली है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, ओके, फाइनेंशियल कंस्टेंट, ऑलराइट, ओके, एंड बी, मैजिशियन इन द मिरर, बॉटम एनर्जी है एंजल ऑफ लव, ब्यूटिफुल। विजडम ओरेकल डेक से देखते हैं पाइल नंबर 2 आपके लिए क्या होने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर। ओके, चॉप वुड्स, फॉग इन द रोड, भैया बहुत कंफ्यूजन है आपकी लाइफ में, तो बार बार सेम ही एनर्जीज आ रही है, बहुत कंफ्यूजन है आपकी लव लाइफ में। अगर नहीं है तो 72 घंटे में तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे,
कुछ ऐसा होगा। अब आप कहेंगे कि नहीं अभी तो मेरी लाइफ में तो कुछ है ही नहीं, बट वो डेस्टाइन है ना, तो अगर नहीं है आप सोच भी नहीं सकते तो भी हो जाएगा। बॉटम है ना, एनर्जी आ रही है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल। ऑल राइट, कोई बात नहीं, इट्स ओके, 72 घंटों की बात है। ऑल राइट, सो पाइल नंबर टू, देखिए अगले 72 घंटों में थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है, और आप उनके लिए तैयार रहिए, क्योंकि आप ये प्रेडिक्शन देख रहे हैं तो यूनिवर्स का आपको ये, आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं, यूनिवर्स ने आपको किसी वजह से इस चैनल पे इस रीडिंग में भेजा है, तो आपको पहले ही बता रहे हैं कि कुछ ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं आपकी लाइफ में। प्रॉब्लम क्या होने से हो सकती है इन ऑब्स्टिकल्स में वो भी बता देती हूँ। जलन, इनसिक्योरिटी, पैसा, ठीक है, ये एक इशू आपकी लव लाइफ में हो सकते हैं, चाहे आप किसी भी तरीके के रिलेशनशिप में हो, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आप उस पर्सन को चूज करें, हाँ कहें ना कहें, ये कंफ्यूजन आपकी लाइफ में आ जाए, और उसकी वजह पैसा हो सकता है, उसकी वजह इनसिक्योरिटी हो सकता है, उसकी वजह कोई पास्ट हो सकता है आपका या उसका, सो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है आप में से काफी लोगों के पास दो चॉइसेस हो, एक बहुत पैसे वाला हो, एक नहीं हो, एक लोग गुड लुकिंग हो, एक गुड लुकिंग नहीं हो, तो इस तरह के छोटे मोटे कंफ्यूजन, चूज किसे करना है, वो सारे कंफ्यूजन आपकी लाइफ में हो सकते हैं। अगर ऑप्शन नहीं है तो जैसा कि मैंने कहा कि आपके पर्सन कितना इस रिलेशनशिप में दे रहे हैं, फ्यूचर में देंगे या नहीं, ये सारी चीजें भी आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। मुझे लगता है इस रिश्ते में अगले 72 घंटे में अगर आपको इसे बना के रखना है, क्योंकि इस रिश्ते में पोटेंशियल है, ठीक है, मैंने पहले ही कह दिया ये सिर्फ 72 घंटे की बात है, ये भी इसलिए है क्योंकि ये डेस्टाइन है, डेस्टिनी में लिखा हुआ है, इसलिए वो होने वाला है, स्टार्स में लिखा है आपके, ठीक है, तो वो होगा। तो वही बात है कि क्यों हो रहा है, इसको कैसे हैंडल करना है, वो तो बात ही नहीं है। अब किया क्या जा सकता है, किया ये जा सकता है कि एडजस्टमेंट सीखे जाए, फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाए, जो हो रहा है उसको होने दें 72 घंटे में, ठीक है। अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कीजिए, अपने रिश्ते पे वर्कआउट करने की कोशिश कीजिए, बजाय कि उसमें नाराज होने के या उन परेशानियों से हार मान लेने के, ठीक है। ये एक कर्मा भी हो सकता है, या आप जिसे डील कर रहे हैं वो एक कार्मिक पार्टनर भी हो सकता है, वो आपको कुछ लेसन देने आया हो, ठीक है। सबसे रेजोनेट नहीं होगा, जनरल रीडिंग है, बट क्योंकि यहाँ जस्टिस है तो यह आपके या उनके कर्मा है जो कि अब आपके सामने 72 घंटे में आएंगे। सी, मैं ऐसे बोल रही हूँ, ये आपके कर्मा है, 72 घंटे में आपके सामने आएंगे, डजेंट मीन कि मैं आपको डरा रही हूँ। मैंने आपको सारे कार्ड्स दिखाए हैं, यहाँ एंजल ऑफ लव भी है, यहाँ मैन होल्डिंग ए कॉइन भी आ रहा है, सो डेफिनेटली कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ भी सकते हैं। लेकिन स्टिल मान लो कोई पर्सन आया भी, लेकिन आपकी स्टेट क्या है, आपकी स्टेट फोर्क इन द रोड है, आपकी स्टेट क्या है, आपकी स्टेट टू पेंटिकल्स की है, कि आपको समझ नहीं आ रहा कि उसको बैलेंस कैसे करना है। सो आपकी स्टेट यही रहने वाली है, चाहे बहुत अच्छा हो चाहे बुरा हो, आप कंफ्यूज रहने वाले हैं, अच्छे को चूज करूं अभी या रुक जाऊं, ये सही है या ये सिर्फ दिखावा हो रहा है मेरे साथ। तो कुछ भी हो, आपकी स्टेट, मेंटल स्टेट कंफ्यूजिंग रहने वाली है, वो लव में रह के भी रह सकती है, वो बिना प्यार के भी रह सकती है, ठीक है। आप में से काफी लोग जो है किसी स्टार सीट को डील कर रहे हैं, और जब हम स्टार सीट्स को डील करते हैं तो वो लोग हीलर होते हैं, हीलिंग के प्रोसेस में जनरली ऐसा होता ही है कि पेन मिलता है, ठीक है, तो क्योंकि हम दूसरे के दर्द को तभी समझ पाते हैं जबकि हमें वो दर्द हो, तो वो पहले पेन आपको दिया जाएगा, उससे एक लेसन लर्न होगा, उसके बाद आप उसकी मनोस्थिति को समझेंगे। ऐसी वाली एक रिलेशनशिप में भी आप हो सकते हैं, या आप कार्मिक रिलेशनशिप में है कि भाई उनका कुछ आपको पास्ट लाइफ का कर्मा बाकी था तो वो लेसन आपको अभी मिलेंगे, या अगर आप एक नॉर्मल सोल जर्नी में भी है तो भी अभी की जो 72 घंटे हैं उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस रिश्ते में, उसमें आपको इस रिश्ते को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सामने से कोई एडजस्टमेंट मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा। यहाँ इनसिक्योरिटीज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कंफ्यूजन, दो तीन ऑप्शन, ठीक है, बैलेंस बनाना, अगर ये कोई पर्सन नहीं है दो तीन ऑप्शन में तो लव लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाना, समय नहीं दे पाना, ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। चॉप वुड इज अ कार्ड ऑफ कि छोटी छोटी ऑब्स्टिकल्स आते ही रहेंगे, तो ये 72 घंटे में आ रहा है तो आएंगे, ठीक है। और किंग ऑफ वॉन्ड्स आ रहा था आप लोगों के लिए बॉटम एनर्जी में जब हमने कार्ड्स निकाले थे, तो उससे भी मुझे एक एनर्जी मिल रही है कि थोड़ा बहुत ना जिद्दीपना, अड़ियलपना, ईगोस्टिक, मुझे ऐसे ही करना है, वो वाला एटीट्यूड भी आपका और आपके पर्सन का इस 3 दिन में रह सकता है, ठीक है। ओके, सो
मैंने कहा ये 72 घंटे हैं, ठीक है। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, अगर आप खुद को हील करने के लिए समय देते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करते हैं चीज़ों को, जो भी परेशानी आ रही है उनको उसी समय सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा जो मैं बोल रही हूँ। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ को दिल पे लगा लिया, बहुत ज़्यादा मतलब हो सकता है आप लोगों के स्टैंडर्ड या स्टेटस में कोई डिफरेंस है, उस बात को आगे ले लिया, तो फिर वो आपको परेशान कर देंगे, ठीक है। या बैलेंस भी, सामने वाला बैलेंस भी बनाए, सामने वाला प्रायोरिटी पे ही रखे, इस तरह की किसी बात में उलझ गए तो परेशानी आ सकती है। अदरवाइज वो छोटी मोटी परेशानियां तो चलती ही रहती हैं लाइफ लॉन्ग, ठीक है। सो डोंट वरी। नाउ हम देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको क्या करना चाहिए, है ना। वैसे मैंने काफी ये रीडिंग ही गाइडेंस वाली थी, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। पाइल नंबर 2 के लिए गाइड कीजिए, स्पिरिट गाइड्स। ओके, वैक्सिंग मून एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो डेफिनेटली कोई ना कोई मोमेंट आप देख पाएंगे अगर आप अभी बातचीत में नहीं है या चीजें बिगड़ेंगी तो। टाइम फॉर हीलिंग, क्या कहा था मैंने, हीलिंग चल रही है और हीलिंग पेन देती है, हीलिंग में पेन होता ही है, हीलिंग का टाइम है गाइस। फुल मून इन वर्गो, यू आर गुड इनफ। तो डेफिनेटली आपको अपने आप से प्यार करने के लिए कहा जा रहा है, यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि आप अपने लिए काफी हैं। ये 2 कार्ड आना चाह रहे हैं, मैं ले लेती हूँ, हालांकि मैंने 3 ही लिए थे फर्स्ट पायल में, बट क्योंकि वो खुद से आ रहे हैं। फुल मून इन सेजिटेरियस, लुक एट द बिगर पिक्चर। तो मैंने आपको पहले ये गाइडेंस दे दिया है कि भाई छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी, आप उनसे परेशान मत हो, हर चीज का एक बिगर साइड देखो तो आप निकल जाओगे उससे। अ पर्सनल इशू रिचेस रिजोल्यूशन। और फुल मून इन कैंसर है, अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो वो रिजॉल्व भी हो जाएगी, ठीक है। सो कैंसर कर्क राशि के आप लोग हो सकते हैं, सेजिटेरियस धनु राशि के आप लोग हो सकते हैं, वर्गो कन्या राशि के आप लोग हो सकते हैं। सो यहाँ पे रेजोल्यूशन भी है, प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, हीलिंग भी चल रही है, आपको अपने आप से प्यार करने को कहा जा रहा है, और जो भी परेशानियां हैं उसमें अगर बातचीत नहीं हो रही या एनर्जीज मूव नहीं हो रही, स्टकनेस फील हो रही है, तो उनमें मूवमेंट भी आपको देखने को मिलेगा इस महीने, इस 3 दिन के अंदर। ऑल राइट, सो नॉट अ बैड रीडिंग। 43 ईयर्स के आप हो सकते हैं, 53 ईयर्स के हो सकते हैं, 2 नंबर, 20 नंबर, 13 या 4 नंबर आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट दिख रहा है, 8 नंबर, 10 नंबर भी सिग्निफिकेंट है, 42 ईयर्स के भी हो सकते हैं आप, और 13 मैंने पहले ही बोल दिया, 13 नंबर बहुत स्पेसिफिक आ रहा है यहाँ। ऑल राइट, नाउ ये तो थी आपकी रीडिंग, यही थे मैसेजेस जो मुझे आपके लिए मिल रहे थे पाइल नंबर 2। नाउ हम ब्लेसिंग बाउल से देखते हैं कि आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी लव लाइफ में ब्लेसिंग्स क्या आ रही है। ऑल राइट, काफी आ गई, लेट्स चेक। सो यहाँ है प्रेगनेंसी, ओके। तो आप में से जो लोग मैरिड हैं वो, उन लोगों को प्रेगनेंसी अचीव हो सकती है। फ्रीडम, सो हो सकता है कि आपको फ्रीडम मिले, ठीक है, या आप किसी चीज पे, जैसे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही थी, तो आप किसी चीज पे अड़ जाए, नहीं मुझे ऐसा ही करना है, ऐसा ही होगा मेरी लाइफ में, तो वो चीज आपको मिल जाएगी, क्लैरिटी। और अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो क्लैरिटी भी मिलेगी आपको। फेम, आप लोगों में से काफी लोग पॉपुलर हो सकते हैं, फेम मिल सकता है आपको। ट्रुथ, तो कुछ सच भी आपको पता चल सकते हैं, ठीक है, कुछ सच भी पता चल सकते हैं, बिल्कुल। फेम को मैं अप्रिसिएशन भी कहूंगी, प्रमोशन भी है, तो हो सकता है आपको वर्क प्लेस पे कोई प्रमोशन मिल जाए, तो आप अपने, आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने पर्सन से, वर्क प्लेस से कनेक्टेड हो सकते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और आपको कोई प्रमोशन मिल जाए तो आप उनसे एक सीढ़ी आगे बढ़ जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। पावर, आपको पावर मिल सकती है इन 3 दिनों के अंदर, रिश्ते में भी पावर मिल सकती है ना, और रिश्ते में पावर मिलेगी, शायद उसी को फ्रीडम भी हम कह रहे हैं, न्यू बिगनिंग। तो आपके रिलेशनशिप में कुछ न्यू बिगनिंग्स हो सकती है, या आपकी लव लाइफ में न्यू बिगनिंग हो सकती है। ऑल राइट, कोई नया पर्सन आ सकता है विद दिस मैन होल्डिंग ए कॉइन, मुझे ऐसा लग रहा है काफी लोगों के। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप ये आपसे रेजोनेट हो। पाइल नंबर 2, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए, बाय बाय।